कैंसर के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने और इसके इलाज में आई तरक्की के बारे में बताने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परपरगंज ने एक संवाद सत्र का आयोजन किया। उन्होंने अपनी विशेष ओपीडी सेवाओं की भी घोषणा की। साथियों नमस्कार। कैंसर रोग लाइलाज नहीं है, इसके लिए यदि प्रथम स्टेज से इसकी यदि चिकित्सा कराई जाती है तो निश्चित रूप से मरीज स्वस्थ होकर अपनों के बीच पहुंच कर यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इन बातों का खुलासा करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने अलीगढ़ एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यह मैक्स दिल्ली में हॉस्पिटल है जिसमें लोगों को इसकी चिकित्सा का लाभ दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया एक प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति यदि गरीब किस्म का होता है तो ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा तथा दवाई भी उसकी हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है। जब डॉक्टर गुप्ता से बात की गई तब उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ बात नहीं है कि जो कैंसर के रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो कभी भी निराश न हो, लेकिन यदि छोटा दाना है तो उस दाने से ही सावधान होकर के वह अपना उसे निरंतर अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद में उसकी चिकित्सा कराएं। और इसलिए हम लोग ने एक बनाया है निडर हमेशा करके, हमारा एक प्रोग्राम है मैक्स का, जिसके से हम लोग लोगों तक हर ग्राउंड लेवल तक हम पहुँच रहे हैं। इसमें मैं एकदम सिस्टम एक सिंपल वर्ड में जो मैं बोलूँगा, जब भी देखो छोटा दाना उसकी जांच जरूर करवाना, कैंसर को बनने ना दो नासूर, जल्द करो इसे दूर। ये मेरा एक मैसेज है सभी के लिए। दूसरा मैसेज ये है कि अपने लाइफस्टाइल को बदलें, लाइफस्टाइल को सही रखें, जैसे कि आगे चल करके कैंसर ही ना हो। इसमें मैं स्पेशली ये बोलता हूँ MED, मेडिटेशन एक्सरसाइज एंड डाइट, ना तंबाकू लेना ना किसी को देना, और तंबाकू लेने वाले के साथ भी ना देना, अल्कोहल कभी ना लेना, और अपने डाइट को प्रॉपरली संतुलित डाइट बनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अपने वेट को ठीक रखो और अपने प्राणायाम वगैरह ठीक से करो, तो हो सकता है कि कैंसर आगे बनने में बने ही नहीं। डॉक्टर, ऐसे में अगर किसी मरीज को कैंसर की बीमारी होती है तो अस्पताल की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं हैं जो मरीज को मुहैया कराई जाए? बिल्कुल, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक तो फ्री कैटेगरी भी है जिसमें हमारे कुछ कुछ ऐसे मरीज हैं, जैसे कल भी मैंने एक ऑपरेशन को ऑपरेट किया जिसको बिल्कुल फ्री हमने किया, हॉस्पिटल ने एक चार्ज भी नहीं दिया, बल्कि दवा वगैरह भी सब जो हॉस्पिटल ने ही उसको दिया। तो ऐसे भी एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा भी जो और जो हमारे जो कैंसर के लिए, जैसे हम यहाँ पर भी आए, जैसे हमने यहाँ पर अभी OPD स्टार्ट की है कि हमने लोगों तक हम लोग पहुँच सके कि अर्ली डायग्नोसिस बन पाए। आज भी मैंने करीब 10 से 12 पेशेंट यहाँ पे देखे हैं और उनमें से हमारे सबसे बड़ा दुख का बात यह था कि सारे के सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको काफ़ी लेट स्टेज के कैंसर थे। लेट स्टेज से पहले अगर हम लोग उसको पकड़ पाए, तो इसलिए मैक्स ने अभी ये सिस्टम स्टार्ट किया। अभी हमारे अलीगढ़ में यहीं पर ही, जैसे मैं हर महीने के 4th फ्राइडे को मैं आऊँगा, वैसे हमारे और भी हमारे डॉक्टर्स कोलीग हैं रेगुलरली यहाँ पर विजिट करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल पेशेंट्स को, लोकल लोगों को भी हम लोग उसके लिए सुविधा दे सकें, उनको ठीक कर पाए। सर, ऐसे में कि जो पेशेंट हैं कैंसर के, उनका कहीं ना कहीं रहता है कि इलाज संभव नहीं है, क्या कहेंगे इस चीज़ की गारंटी है कि इलाज मिल पाएगा? बिल्कुल इलाज मिल पाएगा। मैं यही चीज़ मैं कहना भी चाहता हूँ कि हमारे स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, यही मैं कहना चाहता हूँ अर्ली डायग्नोसिस, कि जल्द से जल्द कैसे हम लोग डायग्नोसिस कर पाएँ और उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, तभी हम लोग ये चीज़ कर पाएंगे कि पूरा इलाज पेशेंट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। आज के समय में अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स को अगर हम लोग पकड़ लें तो ये सोचें कि 80% पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे, और ऐसे जो पेशेंट हैं जो स्टेज 4 में आते हैं। आप यदि अपनी खबरों को प्राथमिकता के साथ में यदि छपाने की बात करते हैं या YouTube चैनल पर दिखाने की बात करते हैं तो डेली न्यूज से संपर्क करिए। मैं अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य, मेरा मोबाइल नंबर है 9897173617, दूसरा मोबाइल नंबर है 8279740498। आप अपने क्षेत्र की खबरों के
लिए जो प्रसारित कराना चाहते हैं, चाहे वह रास्ता खराब हो, क्राइम हो, एक्सीडेंटल हो, या फिर कोई किसी भी प्रकार की जो खबरें छपने लायक हो, जो शासनीय योजनाओं को भी आप तक पहुंचाने की यदि बात करते हैं और आप जानना चाहते हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर करिए तथा कमेंट भी करिए। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।